बात करते हैं पाकिस्तानियों की जिन्होंने दुनिया भर में कोपेमाई में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। पाकिस्तानी कोपेमा जिनकी मैं आपसे मुलाकात करवाने जा रही हूं, उनका नाम है सरबाज खान, जिन्होंने बगैर ऑक्सीजन सप्लाई के दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सर करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सरबाज खान इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सरबाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह, कैसा महसूस हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत सलाम, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये मेरा मिशन समिट 14 का सबसे बुलंद और सबसे मुश्किल पहाड़ जो कि विदाउट ऑक्सीजन कंसीडर किया जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो समिट करके काठमांडू पहुंचा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए पाकिस्तानी अपना पाकिस्तान का परचम लहरा के मैं मेरे खुशी की इंतहा नहीं है। अच्छा, वैसे तो सरबाज मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में, वैसे तो ये बड़ा रिस्की शौक है क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे माउंटेनियर्स जो बात करते हैं तो बताते हैं कि समटाइम कुछ ऐसे हादसात पेश आ जाते हैं या फिर ऊपर जाके मौसम ज़ाहिर है ठीक नहीं होता, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, ख्यालात उल्टे सीधे आने लगते हैं। तो जब आपने ये सफ़र तय किया, कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया या कोई ऐसी बात जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 8000 मीटर पीक्स पे अक्सर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जो कि हमारे सामने भी काफ़ी हुई है, और कुछ 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 वाक़यात तो हम क्योंकि हमें फैमिली वाला हूं तो मैं कुछ चीज़ों को फिर हमें बताना भी नहीं होता कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, लेकिन जब मैं पहला मैंने इसी साल मैंने पहली अटैम्प्ट की थी 12 मई को, और नियर द समिट हमें बताया गया था कि मौसम साफ है, लेकिन जब मैं अपनी टीम के साथ बिल्कुल समिट के करीब तकरीबन 300 से 400 मीटर रह गया था जिसको हम बैल्कोनी कहते हैं, वहां तक मैं पहुंचा तो मौसम इतना ख़राब हुआ और हवाएं इतनी तेज़ चली कि मेरी बस हुई। बाकी कुछ लोग हमारे साथ थे विदाउट विद ऑक्सीजन, तो उनको इतना मसला नहीं था क्योंकि उनको ऑक्सीजन उनके पास सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन थी, बोटल्स थे, तो मैं बगैर ऑक्सीजन था तो मुझे वापस। तो वैसे आपने ये बहुत रिस्क नहीं लिया आपने कि आप बगैर ऑक्सीजन के थे? क्योंकि जब मैंने ये मिशन स्टार्ट किया था तो मेरा मैंने यही किया था कि मिशन समिट 14 विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, तो मैं पहले भी कर चुका हूँ। मैं वही पाकिस्तानी हूँ जिसने एवरेस्ट को 2 दफा किया। 2021 में मैंने यही इसी बेलकोनी के बाद मैंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर खा के किया था, लेकिन अभी मैंने बगैर ऑक्सीजन के और मैं बोतल भी लेके नहीं गया था। तो है रिस्क तो है, लेकिन अल्पिनिज्म अगर आप इसको पढ़े या इसको आप मुतायला करें तो अल्पिनिज्म बगैर ऑक्सीजन बगैर सपोर्ट ऑफ शेरपास तो इसको कहा जाता है, लेकिन हर एक का एक बॉडी और या आपका जिस्म का एक सकत होती है, उस हिसाब से आपने क्लाइम करना होता है। मैं ज्यादा उसमें तो नहीं जाऊंगा, लेकिन सरबाज चले जी, जबरदस्त, अल्लाह ने आपको कामयाब भी किया। मुझे ये बताइए कि स्पॉन्सर्स की कोई प्रॉब्लम आपको हुई है? किसने आपको यहाँ तक पहुँचने में सपोर्ट किया या फिर आपने अपनी मदद खुद की? कुछ बताइए आप भी थी। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था नंगा पर्वत से, क्योंकि पहली ऑटोमेसेंट थी दुनिया की, उसमें मैं उस टीम का हिस्सा था। मरहूम अली भाई जो कि पाकिस्तान का एक फ़कर, जो कि K2 विंटर में उसकी डेथ हुई, उसके साथ मैंने क्लाइम किया था नंगा पर्वत फर्स्ट ऑटोमेसेंट, उसके बाद मैंने अनाउंस किया था, लेकिन उसके 5 पीक्स मैंने अपने मदद आपके तहत किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास स्पॉन्सर्स है, पाकिस्तान सरीना होटल्स हैं और मल्टी नेट जो कि पाकिस्तान में फाइबर नेट का एक बड़ा चेन है वो है, और मुझे इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने बड़ा सपोर्ट किया है। इस वक्त मेरे पास है मल्टी नेट, सरीना होटल, कैलब्रोन इंटरनेशनल और सीडर कॉलेज के नाम से कराची में एक बड़ा ज़बरदस्त, बिल्कुल सीडर कॉलेज है, तो उनकी तरफ से मुझे स्पॉन्सर से इस। तो वैसे आपके ख्याल में माउंटेनियर्स के लिए हुकूमती सरपरस्ती किस किस्म की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है ये भी एक फील्ड है और जो लोग शौक रखते हैं
पहाड़ों से मोहब्बत करते हैं, वो ज़ाहिर उनमें पैशन होता है, वो तो नहीं रुकेंगे, लेकिन अगर सरपरस्ती मिल जाए तो और अच्छे से काम होगा। बिल्कुल, जिस तरह हमें यहाँ ज़रूरत है नेपाल जैसा मॉडल हमें अपनाने की, क्योंकि हमारे पास 8000 के 5 पीक्स है और 6 और 7000 के दुनिया में कहीं पे भी इतना पीक्स नहीं है जो कि हमारे पास है। हमारे वहाँ पे बेसिक लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको स्कूल इंस्टीट्यूशंस और इवन इंश्योरेंसेस नहीं है हमारे जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनको सही मयार की वो नहीं मिल रहा है। तो हमें चाहिए कि हमें पहले स्कूल्स और ऐसे जो इदारे बनाए जाए जो कि हमारे लोगों के ऊपर काम करें। अभी फॉर एग्जांपल अभी जो पाकिस्तान में जो क्लाइंबिंग होती है, जून जुलाई हमारा पीक सीजन है, वहाँ पे नेपाली आ रहे हैं, नेपाली आके 80% नेपाली काम करते हैं वहाँ पे, जो कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो काबिलियत नहीं है। काबिलियत हमारे पास वो स्टेमिना है, लेकिन उस स्टेमिना को आपने टेक्निकल प्रेफरेंस नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है। जब हम उसको तरजीही बुनियादों पर करेंगे तो फिर ही पॉसिबल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सरबाज, अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं आप? मेरा लास्ट पीक रहती है क्योंकि मैं ऑलरेडी 13 पीक्स कर चुका हूँ और 11 में विदाउट कर चुका हूँ। तो एक शीशा पामा लास्ट ईयर हम तिब्बत में गए, तिब्बत में हमारा लास्ट पीक था, मेरा लास्ट पीक 14 पीक, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और हमने क्विट करके आए हैं। उसके लिए मैं एक साल नेक्स्ट ईयर जाऊँगा। इस साल मैं पाकिस्तान में एक टीम, फीमेल टीम पहली दफ़ा K2 पे, 70 साल तकरीबा है K2, 1954 में पहली दफ़ा सबमिट हुई है, तो उसको मैं इंशाल्लाह लीड करने जा रहा हूँ। 6 हमारे पाकिस्तानी खवातीन हैं, उनको लीड करने जा रहा हूँ। तो हमारे एक्सपीडिशन इंशाल्लाह सून मेरे ख्याल में 20 जून में हम रवाना होंगे K2 बेस कैंप की तरफ, और हम फिर मुहिम जुई करेंगे K2 पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मैं चाहूँगी सरबाज कोई मैसेज जो कि आप उन लोगों के लिए जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, शौक रखते हैं, किस चीज़ का उन्हें ख्याल रखना है, कोई की बताएंगे आप सक्सेस की, कि जब आप माशाल्लाह बग़ैर ऑक्सीजन के यहाँ तक आए हैं तो वैसा कौन सा गुर है जो आपके पास है? एक तो ये गुर है कि हम मेरे पैदा ही उन पहाड़ों में पैदा हुआ हूँ, हुंजालियाबाद में, तो एक तो एक प्लस पॉइंट मेरे लिए ये है। बाकी जो भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह डाउन से भी बड़ा लोग इंटरेस्टेड, लाइक नाइला है और अनम है और इस तरह के असद मेमन है, इस तरह के लोग बहुत आ रहे हैं इस फील्ड में, तो ये हमारे लिए भी एक अच्छा साइन है कि डाउन से भी लोग आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोग ही क्लाइम करते थे, बहुत कम एक दो जो जब हमारा कर्नल भट्टी साहब जिसने एफएस सबमिट की पहली दफ़ा, तो इस तरह के लोग थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं डाउन से भी। तो मेरा यही है कि मेरा गुजारिश यही है कि एज ए टेक्निकल जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस चीज़ इस फील्ड में बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग बेसिक एडवांस ये ट्रेनिंग सीख के आए। ऐसे ही मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे हैं हमें भी कि मैंने K2 क्लाइम करना, ये करना, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप प्रॉपरली आप ट्रेन होके स्पीड की तरफ आ जाएं। सही, बहुत पोटेंशियल है सरबाज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक, आप वैसे ही कामयाब होते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।